नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्मिता शर्मा। खबर अलवर जिले के खैरता से, जहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत के राज पदाधिकारियों ने होली मिलन मनाया। इस मिलन के दौरान क्या कुछ देखने को मिला है, इसे दिखाते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में। खैरतर कस्बे, जहाँ पर हनुमान पहाड़ी मंदिर के पास स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत की राजस्थान महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मीणा के द्वारा भेजे गए नए पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र व आई कार्ड राष्ट्रीय प्रभारी मनोहर लाल शर्मा के आदेश अनुसार होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित कर सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर नियुक्ति पत्र में आई कार्ड दिया। इस मौके पर होली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। सभी पदाधिकारियों को गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश यादव ने बताया कि किस संगठन के संघ विधान के अनुसार सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता कार्य करेंगे। गरीब असहाय व्यक्तियों के साथ हर दम खड़े रहेंगे। सामाजिक सरोकार के तहत इनका संगठन आगामी माह में वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वच्छता संबंधित शिविर भी लगाए गए। इस मौके पर दीपक सोनी, गोविंद सोनी, सुरेश मोहित, राबी यशवंत, हेमंत घनश्याम, श्याम सुंदर जीतू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं है, आगे से प्रोग्रेस करेंगे हम काम की। जैसे गरीब की किसी शादी हो रही है लड़कियों की, तो उनमें सहायता प्रदान करेंगे हम लोग। घर जाके जितना भी हमारा ग्रुप है, हमारा सभी मतलब सहायता प्रदान करेंगे उनको। वृद्धों की पेंशन की व्यवस्था है, कहीं पे धक्के खा रहे हैं वो, नहीं सुनाई हो रही है, तो हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनके साथ कहीं शादी हो रही है कोई। हर संगठन द्वारा होली मिलन समारोह बनाया गया है, जिसमें हमारे जो नवनियुक्त जो सदस्य हैं उनका सम्मानित किया गया, उनको आई कार्ड और नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो हमारा आगे जो कार्यक्रम होगा उस हिसाब से थोड़ा सा सब मिल करके, जैसे कोई भी किसी की समस्या है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे।